वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स यानी कथनों की वैधता। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 20 मैथमेटिकल रीजनिंग, इसके अंतर्गत वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चनों को देखेंगे। तो जो कथनों की जो वैधता होती है, यानी कोई भी जो कथन स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसमें वो कथन सत्य है कि असत्य है, और उसके डिफरेंट सिचुएशंस को हम उसको देखते हैं और उसके आधार पर उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको प्रूव करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे इसको बाय कॉन्ट्रडिक्शन। यानी विरोध द्वारा कथनों को हम कैसे उसको प्रूव करते हैं, यानी इसको हम ऐसे देख सकते हैं किसी गणितीय कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए जिस विधि का प्रायः प्रयोग किया जाता है उसे प्रति उदाहरण द्वारा सिद्ध करने की विधि कहते हैं। और इस पे हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है एक प्रति उदाहरण द्वारा, यानी काउंटर एग्जांपल द्वारा हमको दर्शाना है कि कथन जो है असत्य है। एक प्रति उदाहरण, तो इसको प्रति उदाहरण को इंग्लिश में बोलते हैं इसको बाई काउंटर एग्जाम्पल। प्रति उदाहरण द्वारा दर्शाओ कि दिए कथन असत्य हैं। तो इसी में जो दिया हुआ इसका, यदि n एक विषम संख्या है तो n एक अभाज्य संख्या है। इसको हल करेंगे तो हमको इसको क्या करना है कि बाई काउंटर एग्जाम्पल इसको दिखाना है कि ये जो कथन है ये कथन असत्य है। यानी यदि n एक विषम संख्या है तो n एक अभाज्य संख्या, जरूरी नहीं कि संख्या अभाज्य हो, ऐसा हमको दिखाना है। यहाँ लिखेंगे दिया हुआ कथन यदि P तो Q के रूप का है, हमें सिद्ध करना है कि यह कथन असत्य है। इसके लिए हमें यह दर्शाना है कि
यदि पी तो क्यों नहीं, यानी जब ये क्यों नहीं होगा तभी ये कथन असत्य होगा है। इसके लिए हमें एक ऐसी विषम संख्या खोजनी है जो अभाज्य नहीं है, और ऐसी संख्या 9 ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, नौ इस प्रकार की एक विषम संख्या है। अतः n इज इक्वल टू 9 एक काउंटर एग्जाम्पल यानी प्रति उदाहरण है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि दिया हुआ कथन असत्य है। इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि यानी विषम संख्या है तो यानी एक अभाज्य संख्या है, ये जो कथन इसको हम असत्य असत्य हमको दिखाना दर्शाना है, तो हम दिखाएंगे कि यदि एन विषम संख्या तो यानी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम ऐसी संख्या खोजते हैं कि वो जो मतलब वो संख्या विषम हो लेकिन अभाज्य न हो। तो ऐसी संख्या हम ये 9 देख रहे हैं तो 9 विषम है लेकिन अभाज्य नहीं। इसी प्रकार 15 भी संख्या ले सकते हैं। इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है एक प्रति उदाहरण द्वारा दर्शाओ कि कथन सत्य नहीं है। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं ए एवं बी के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इम्प्लीकेशन इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। तो हमको ये दिखाना है कि कथन सत्य नहीं है, या फिर ये दिखाएं कि स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर तो हो लेकिन ए इक्वल टू बी ना हो, तो ये कथन जो है असत्य हो जाएगा। तो इसको देखेंगे हम, वी ऑब्जर्व दैट, यानी हम देखते हैं कि -2 का स्क्वायर करें तो ये 2 स्क्वायर के इक्वल आएगा, किंतु जो -2 है वो 2 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ -4 भी ले सकते हैं कि -4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, लेकिन -4 इज नॉट इक्वल टू 4। अतः दिया हुआ कथन
सत्य नहीं है। इस प्रकार से इसको हम दिखाएंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि कथन सत्य है। इसमें दिया है पूर्णांक x एक सम संख्या है, यदि और केवल यदि x स्क्वायर एक सम संख्या है। ये क्वेश्चन 7 से मिलता जुलता है, ऐसा कर सकते हैं। प्रतिधनात्मक विधि द्वारा दर्शाओ कि कथन सत्य है। इसमें कथन दिया हुआ है यदि x एक पूर्णांक है तथा x स्क्वायर सम है तो x भी सम है। ये क्वेश्चन दूसरे मिलते जुलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। कि यहाँ देखेंगे, पहले माना कि x एक सम संख्या है, सम संख्या है अर्थात x इज इक्वल टू 2n, यहाँ n बिलोंग टू z कोई पूर्णांक है, इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में आएगा इसका 2n का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर, जो कि एक संख्या है। अतः x एक संख्या है या सम संख्या है, तो x स्क्वायर एक सम संख्या है। अब इसी में हम काउंटर पॉजिटिव कर लिखेंगे कि यहाँ दिया हुआ है इसका हमको प्रतिधनात्मक विधि द्वारा दर्शाना भी है, तो इसे लिखेंगे हम यहाँ काउंटर पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा, यानी इसमें माना कि एक सम संख्या नहीं है, क्योंकि उसका हमको क्या बताना है, इसका निगेशन मार्क दर्श को प्रूव करना है कि कथन सत्य है। यानी पहले मानेंगे कि माना एक सम संख्या नहीं है, यहाँ हो जाएगा जब जब सम नहीं है तो ये विषम संख्या के रूप में होगा, अर्थात 2n प्लस 1 के रूप में होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिया जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1।
इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। जो कि एक विषम संख्या है, इस प्रकार यदि Q सत्य नहीं है तो P सत्य है। अर्थात दिया हुआ कथन सत्य है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें कि एक पूर्णांक एक सम संख्या है, यदि और केवल यदि एक्स स्क्वायर एक सम संख्या, इसको हमको प्रतिधनात्मक मेथड द्वारा इसको दिखाने के शब्द है। तो पहले इसमें मान लें कि मान एक सम संख्या नहीं है अर्थात विषम संख्या है, तो एक्स स्क्वायर भी विषम आ गया। तो हम देख सकते हैं कि यदि एक सम संख्या होगी तो एक्स स्क्वायर भी एक विषम संख्या होगी। तो कंट्रा पॉजिटिव का यही मतलब होता है कि एक ऐसा एग्जाम्पल से उसको दिखाना कि वो सम संख्या नहीं है तो उसका जो स्क्वायर वो भी सम संख्या नहीं होगा। तो यदि सम नहीं तो विषम होगा, यदि दोनों विषम आ रहे तो दोनों सम भी हो सकती है। यदि एक एक्स सम है तो एक्स स्क्वायर भी उसका सम ही होगा, सम संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार दिया जो कथन है वो सत्य है। इसी में क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में दिया है कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। उत्तर का कारण भी बताओ। यहाँ देखेंगे जिस वक्त ए नंबर में दिया हुआ है पी किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है। तो यहाँ देखना है किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है। तो ये जो कथन होगा ये कथन सत्य नहीं है, तो इसको लिखेंगे यहाँ हम दिया गया कथन क्योंकि जो त्रिज्या होती है वृत्त की जीवा का हाफ होती है। तो जीवा जो होती है जीवा उसके वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो ये जो कथन है वो असत्य होगा। इसी में एक बी नंबर दिया हुआ है किसी वृत्त का केंद्र वृत्त की प्रत्येक जीवा को द्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है।
तो ये जो कथन दिया हुआ ये भी कथन सत्य नहीं है। यानी वित्त के व्यास के अतिरिक्त वित्त का केंद्र अन्य जीवा को द्विभाजित नहीं करता, केवल वृत्त के व्यास को ही वो समद्विभाजित करता है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं वृत्त के व्यास के अतिरिक्त वृत्त का केंद्र किसी अन्य जीवा को द्विभाजित नहीं करता। इसी में क्वेश्चन नंबर एक इसका डी देख रहे हैं, इसी में डी में दिया हुआ है, इसको टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स को। यदि एक्स और वाई ऐसे पूर्णांक हैं कि एक्स ग्रेटर वाई तो माइनस एक्स लेस माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं। सपोज यदि हम लिखना चाहें 7 greater 5, तो ये इसको लिख सकते हैं माइनस 7 less -5, क्योंकि माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है संख्या उतनी ही छोटी होती है, तो माइनस जो 7 होगा माइनस 5 से छोटा होगा, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी में एक ई नंबर है, √7 एक परिमेय संख्या है, तो ये कथन भी असत्य होगा। क्योंकि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट बाय कॉन्ट्रडिक्शन एंड बाय काउंटर एग्जांपल द्वारा दिए कथनों को हमने उसको उनकी कंडीशंस को हमने प्रूव किया। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।